इस वीडियो में अगर हम कोई पेमेंट यूपीआई से डालते हैं, ठीक है, और यहाँ पर यूपीआई आईडी डालते हैं, बट वहाँ पर लिखा हुआ आता है हमें इस तरीके से इनवैलिड यूपीआई आईडी, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, फिलहाल हमने यूपीआई आईडी ही गलत डाली है, इस वजह से यहाँ पर आपको दिखा रही है। अब जैसे आप यहाँ पर कुछ भी यूपीआई आईडी डाल लेते हैं, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर आपको दिक्कत आ जाती है। तो आप जैसे ही कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर ये सर्चिंग होती है, सर्चिंग होने के बाद अगर ये एक्चुअली में होगी तो आएगी, वरना ये आपको नहीं दिखाई देगी। ठीक है, फिलहाल ऐसी कोई भी आईडी यहाँ पर इस पर नहीं है। ये तभी इशू निकल कर आता है जब ये आईडी कभी भी बनी ही नहीं होती है, तो ही ये इशू क्रिएट होता है। अगर बनी भी होती तो आपको यहाँ पर शो कर जाती है। तो ये प्रोसेस रहता है इसका सिंपल सा, आपको सही आईडी डालनी है तो ये आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होगी, वरना ये सॉल्व नहीं होगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।